सो गाइज, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ सत्यम वचन। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ गो थ्रू इट, ताकि आपको वहाँ से पता लगेगा कि ये मेरी इंटेंशंस क्या है इस सत्यम वचन सेगमेंट का शुरू करने के लिए। एंड टुडेज टॉपिक इज प्रायरिटीज़, कि आपकी लाइफ में प्रायरिटीज सेट है कि नहीं है, और अगर है तो इज इट गुड और बैड। सो स्टे ट्यून्ड। सो प्रायरिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है लाइफ के अंदर। मेरे को जब मैंने एक बारी स्टोरीज शेयर करी थी कि आप मेरे से क्वेश्चंस पूछिए इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, तो मेरे को एक आया था क्वेश्चन कि सैड फील करती हूँ मैं, अपने करियर में अच्छा कर रही हूँ फिर भी हैप्पीनेस नहीं है। सो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जो हैप्पीनेस है, आपका जो प्रायरिटीज़ है, वो सेट नहीं है। आप सब कुछ करना चाहते हो या आपको हैप्पीनेस आप ढूंढ रहे हो दूसरी चीज़ों में, आप हैप्पीनेस अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे हो। तो बिकॉज मैं लोगों को देखता हूँ यार फेसबुक पर, लाइक मैं जज नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मुझे दिखता है यार कौन डिप्रेशन में है, कौन सिर्फ शो ऑफ के लिए कर रहा है, और उनको नहीं पता है कि ये चीज़ क्यों करनी है फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर। लोग पीपल आर लिविंग अ फेक लाइफ, दैट इज़ बिकॉज दूसरों को देख के सोशल मीडिया पर देखते हैं कि यार वो इतना खुश है, वो ये चीज़ करके खुश है। तो आप अपनी प्रायरिटीज़ हटाकर वो चीज़ के पीछे भागते हो, तो उससे आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, उससे कभी भी आपकी प्रायरिटीज़ सेट कर लोगे अगर वैसे तो दैट वोंट वर्क। सो बेसिकली मेरी फर्स्ट प्रायरिटी ड्रीम्स है, मेरा करियर है। सेकंड प्रायरिटी फैमिली है जो साथ में चलेगी। थर्ड प्रायरिटी अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो, एंड फोर्थ प्रायरिटी फ्रेंड्स हैं। दैट्स माई चॉइस, माई प्रायरिटीज़, माई ओपिनियन। You can have anything that you want, but you need to set priorities to, you know, shape your future for a better life. So please think over it, कि अपनी priorities set करो, एक paper में लिख कर बैठो कि आपको life से क्या क्या चाहिए, then उसके अंदर numbering करो 1, 2, 3, 4, 5, and एक short term के लिए करो कि हाँ अभी एक अगले एक साल में, अगले दो साल में मुझे क्या करना है, उसके लिए एक priority set करो, उसके लिए 1, 2, 3, 4, 5 करो, दोनों को incline करो सबसे पहले कि अच्छा ये चीज़ हाँ दोनों मैच कर रही है, तो अगर मैं शॉर्ट टर्म में ये करूँगा तो लॉन्ग टर्म में मुझे इस प्रायरिटी के लिए फ़ायदा होगा। और अगर मेरे को एक दो चॉइसेस मिल रही है लाइफ में, तो मुझे मेरी जो फर्स्ट प्रायरिटी है या मेरे जो सबसे अपर लिस्ट प्रायरिटी है, लिस्ट में सबसे अपर प्रायरिटी जो है, उसमें से जो चॉइस इसमें से लेनी है वो वाली मैं लूँगा, और ठीक है दूसरी में चॉइस छोड़ दूंगा, ओके फाइन वो बाद में देख लेंगे। तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मशोबरा में हूँ, है ना, और यहाँ पे अपने चिल करने आया, सब कुछ करने आया हूँ, बट मेरी प्रायरिटी सबसे पहले ये थी कि मैंने बहुत टाइम से अपने लिए एक पर्सनल ट्रिप नहीं करी थी, तो मेरी फर्स्ट प्रायरिटी ये थी कि मेरे को चिल करने जाना है। मेरी सेकंड प्रायरिटी ये थी कि व्लॉगिंग करनी है। मेरी थर्ड प्रायरिटी ये थी कि ये सीरीज़ शुरू करनी है मैं शोभरा से ही, बिकॉज आई थॉट कि यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे मेरा माइंड खुल गया कि मैं अपनी सीरीज़ एक शुरू कर सकूँ, अपना वो जो प्रोकेसिनेशन मेरा चल रहा था वो यहाँ पे ख़त्म करा मैंने। सो प्रायरिटीज़ मेरी इस तरह से यहाँ पे सेट करके मैं आया था, और उस हिसाब से मैं प्रायरिटी पे काम कर रहा हूँ। इसके बाद भी एक और चीज़ करनी है, शायद वो नहीं कर पाऊँ, बट वो लास्ट प्रायरिटी थी मेरी। सो मुझे कोई दुख नहीं होगा अगर बाई चांस मैं नहीं भी कर पाया तो, राइट? सो दैट्स वाई प्रायरिटीज़ आर द मस्ट। अगर आप लॉन्ग लाइफ, अगर लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं, तो आपको करियर वाइज, अपना पर्सनल लाइफ वाइज, अपनी फैमिली, अपना ड्रीम, अपने शौक, सबको आपको एक प्रायरिटी लिस्ट पे सेट करना पड़ेगा। और अगर आप वैसे अपना कहीं पर भी शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उसमें आपको प्रायरिटी सेट करनी पड़ेगी, और एक लॉन्ग टर्म प्रायरिटी सेट करनी पड़ेगी। दोनों चीज़ों को जब आप इंक्लाइन करेंगे, तब आपका जो विजन है, आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ आगे लीड करने का, कि कैसे करना है, वो बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। एंड आई कैन गारंटी यू दैट, क्योंकि मैं भी डिप्रेशन में रहा हूँ 6 साल, और उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आता, मैस्ड अप रहती है लाइफ यार बिल्कुल ही, कि लगता है कि कोई हमें समझ ही नहीं पाता। सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज, कि भाई मैं समझ सकता हूँ यार तुम्हें पर्सनल लेवल पर, तो उसका कोई सीन ही नहीं है। एंड आई वोंट जज यू, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव बीन इनटू डिप्रेशन फॉर 6 ईयर्स, सो आई हैव नो पॉइंट टू जज यू गाइज। सो या, सो दिस सीरीज अबाउट दैट। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं #AskSatyamVachan करके, और अगर आपको एनोनिमसली पूछने हैं तो प्लीज़ गो फॉलो मी ऑन SatyamVachan का इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पे आप मेरे को DM कर सकते हैं, और वहाँ पे हो सका तो मैं आपको DM पर ही रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे उसका एक पूरा वीडियो कंपाइल करके आई विल जस्ट अपलोड इट, लाइक जैसे अगर ये वीडियोस अपलोड होती रहेगी, और क्वेश्चंस वाली भी मैं कंपाइल करके अपलोड करूँगा। लाइक दैट्स द प्लान राइट नाउ, एंड लाइक माय फर्स्ट प्रायोरिटी इन दिस सत्यमवचन सीरीज इज कि यार आप लोगों की हेल्प करनी है किसी भी तरह से। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, एंड प्लीज़ थिंक ओवर इट, एंड प्लीज़ मेरे को सेंड भी करना अपनी प्रायोरिटी लिस्ट की, आपने क्या प्रायोरिटी सोची है, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ। ओके, सी या।